नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर सोमवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। 23 अक्टूबर सोमवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा, इस दिन कौन से लाभ होंगे, कौन से फायदे होंगे और साथ ही साथ जानेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास, सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि 5:45 तक रहेगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय 11:48 से 12:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल की अगर बात करें तो राहु काल का समय है 7:55 से 9:21 तक। दोस्तों, इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत भूल से भी ना करें। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य तुला राशि पर संचार कर रहे हैं लेकिन चंद्रमा 4:23 तक मकर राशि में रहेगा। उसके बाद मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपकी कामों की गति तेज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है और शांति दिमाग से अपने कामों में लगे रहना है। जो लोग व्यापारी हैं, विदेश से आयात निर्यात करते हैं, उन्हें अगले इन 24 घंटे में कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए अगर कोई डील आपका फाइनल नहीं हो रहा था या फिर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो काम अगले इन 24 घंटे में बनने की पूरी संभावना है। वहां से आपको शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही है। इसके उपरांत अगले इन 24 घंटे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए सुखद होंगे ही होंगे। साथ ही साथ यात्रा के माध्यम से आपको बड़ी गुड न्यूज मिल सकता है। जी हाँ, चाहे वो गुड न्यूज आपकी नौकरी को लेकर हो या फिर आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां से भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है तो उनके घर में कोई नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधित शुभ समाचार गूंजेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो और भी खास होने वाली है, बहुत जरूरी बातें हम आपको बताने वाले हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश करती आ रहे थे, प्रयास करती आ रहे थे, वे आज अंत में पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे, बेकार मान चुके थे, वे अंत आज सफल होंगी। इसलिए दोस्तों, आज और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, इससे आपको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज रोड या फिर छोटी मोटी दुर्घटना होने की काफ़ी आशंका बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए गाड़ी चलाते समय या गली को पार करते समय काफ़ी सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों किसी से टक्कर हो सकती है। यहाँ तक अगर आप सावधान भी हैं तो भी आपको औरों की लापरवाही से चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए रक्षात्मक तरीका अपनाएं। आज थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी परखने से बहुत बड़ी परेशानियों से आप बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, खासकर जो लोग यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें आज के दिन थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंकाएं यहाँ पर बंधी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सावधान रहेंगे तो इनसे बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं, या मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्तों में श्रृंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एकत्रता टूटेगी और अपने साथी के साथ अलग रहने की कोशिश कर सकती हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंदीय समय व्यतीत कर सकती हैं, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी खुशी मिलेगी और जो टेंशन, जो तनाव आपके मन में चल रही थी, वह भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप अपने सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। अपने पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। अगर आप किसी अस्थाई लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बर्बाद ना करें, जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपको जो है परेशानी बढ़ सकती है, आगे चलकर इनका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर शांति से अपने संबंधों को तर्क की कसौटी पर रखें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन ये जान लें कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। अपने संबंधों के बारे में विश्लेषण करते हुए आपको उसे भी ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए आगे चलकर काफी लाभदायक रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है पीला कलर और शुभ अंक है 1। दोस्तों, भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 80%। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।